दोस्तों सरकारी लाभ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर रख लीजिएगा। राशन कार्ड धारकों को मिली खुशखबरी, होली से पहले इस दिन से शुरू होगा फ्री राशन वितरण। जानिए पूरा डिटेल्स तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों 5 मार्च से शुरू होगा वितरण, बिल्कुल आपने सही सुना, 5 मार्च से वितरण होगा। उत्तर प्रदेश में NFSA के तहत राशन गेहूं चावल बाजरा का निःशुल्क वितरण 5 मार्च 2023 से शुरू होने जा रहा है। यह वितरण 20 मार्च 2023 तक चलेगा, यानी अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले के सरकारी राशन की दुकान पर जाकर 5 से 20 मार्च तक अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले महीने में भी गेहूं चावल का वितरण हो चुका है। दोस्तों कितना मिलेगा राशन ये भी मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन की दुकानों पर फ्री राशन गेहूं चावल बाजरा का वितरण 5 मार्च से शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत पात्र गृहस्थी कार्ड धारक यानी जो आपका सफ़ेद कार्ड है उस पर 5 किलो मिलेगा, जिसमें कि 2 किलो गेहूँ रहेगा व 2 किलो चावल और 1 किलो बाजरा रहेगा। और यदि आपके पास लाल कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है, तो आपको 35 किलो मिलेगा, 14 किलो गेहूं व 20 किलो चावल और 1 किलो बाजरा निशुल्क राशन वितरण किया जाएगा, यानी बिल्कुल फ्री में आपको राशन मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको होली के त्यौहार पे चीनी भी मिलेगा, बिल्कुल आपने सही सुना, आपको चीनी मिलेगा। अंत्योदय यानी लाल कार्ड धारक आप हैं तो इस साल के शुरुआती 3 महीने तक आपको जनवरी फरवरी और मार्च तक 3 किलो चीनी का वितरण भी किया जाएगा। इसके लिए कार्ड धारक को 18 रुपये प्रति किलो की दर से 3 किलो के 54 रुपये के देना पड़ेगा, यानी 54 रुपये आपका लगेगा जो यदि आपके पास लाल कार्ड है तो। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और इस सरकारी लाभ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको सरकारी लाभ संबंधित सारा वीडियो अपलोड मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।